वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक तो जो जीबी न्यूज़ जो ब्रिटेन का वो एंकर है जिसने बोला कि भाई हमारा लोन वापस कर दो, लोन नहीं सॉरी हमारा फाइनेंशियल एड वापस कर दो, 2.3 बिलियन पाउंड्स का हमारा फाइनेंशियल एड वापस कर दो, एक तो उस बारे में बात करूंगा और एक इस बारे में बात करूंगा कि चंद्रयान 3 का सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि लोगों को ना खुशी तो बहुत हो रही है और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हमें खुश हो रहे हैं सारे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए भाई हो क्या रहा है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले बात करते हैं जीबी न्यूज के एंकर की। उसने बोला कि 2.3 बिलियन पाउंड हमारे लौटा दो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और जो अगले साल है वो 57 मिलियन जो हम पाउंड देने वाले हैं वो भी हमें देने नहीं है। तो सबसे बेसिक से अगर बात करूँ तो जो सारे इंडिया को पता है कि भाई पहले सबसे पहले तो आप हमारे ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स लौटाओ जो आपने हमसे लूटे हैं अपने कॉलोनियल पीरियड में। लेकिन इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये तो आपको सबको ही पता है, आप भी ट्विटर पर जाके लिख ही देते हो इंग्लिश में उसके कमेंट बॉक्स में, तो वो तो इनफ है मेरे को लगता है, वो तो बहुत लोगों ने बोल दिया। मैं और आपको आगे की बातें समझाता हूँ। वैसे मेरा मन इंग्लिश चैनल क्रिएट करने का भी है क्योंकि इंग्लिश चैनल पे जो बोलूंगा वो उनके पास भी जाएगी। इंडिया की एड की बात करें ना, तो जब लास्ट टाइम 2001 में गुजरात में भूकंप आया था ना, तब इंडिया ने लास्ट बार किसी से एड की अपील की थी। उसके बाद 2003 में ये क्लियर कट मेंशन हो गया कि हमें किसी से फाइनेंशियल एड नहीं चाहिए कोई किसी तरीके की। इनफैक्ट उसी टाइम इंडिया ने लोन देना शुरू कर दिया था, लोन फाइनेंशियल एड नहीं। लोन पे इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल एड पे इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो भी तो कोई ना कहीं डिप्लोमेटिक ही होती है। फाइनेंशियल एड को हम वेलकम नहीं कर रहे थे, लेकिन एनजीओज वगैरह को आप जो देना चाहते हो दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। 2003-04 में तो हमने लोन देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम फाइनेंशियल एड भी देते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपये, 6000 करोड़ रुपये हम फाइनेंशियल एड में दे देते हैं हर फिस्कल ईयर में। हालांकि उसका भी अपना रीजन है इंडिया का, डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं। तो ये 2.3 बिलियन पाउंड्स हैं क्या, ये कौन सी बात कर रहा है भाई, कहां से इसका जन्म होता है? एक तो ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, एज पर माय बेस्ट नॉलेज ये किसी गवर्नमेंट की डेटा नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है। ब्रिटेन में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं या फिर वो फाइनेंशियल एड के नाम पे अपना बिजनेस रन करती हैं, और उनकी जो बैंक डिटेल्स हैं ट्रांसफर्स की, वहीं से जो सीए वाला काम होता है ना, वहां से ये खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2.3 बिलियन यूरोज हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। अब मैं आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि ये 2.3 बिलियन यूरोज इन्होंने काउंट किया तो कैसे किए। इसमें 10 से 15% तो बायलैटरल एड है, जैसे कभी किसी के यहाँ कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। पहली बात तो बायलैटरल एड जब दी जाती है ना, तो उसका अपना एक डिप्लोमेटिक रीजन होता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स बोरिस जॉनसन से लेकर ऋषि सुनक सभी इस बायलैटरल एड के आसपास घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ऐसे कंट्रीज से हमें जैसे इनके यहाँ कोई दिक्कत आ गई तो बायलेटरल एड एकदम दे दो ताकि फ्यूचर रिलेशंस बढ़िया हों और ट्रेड खुल सके। अब इसका 20 से 30% हिस्सा वो है जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है। अब ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जैसे यूएन है या फिर वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, इनके पास इनका जाता है और वहां से घूम फिर के इंडिया के पास आ जाता होगा किसी फॉर्म में। देखो मैं एक सिनेरियो समझा देता हूँ आपको। यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा, सिंपल वे में करने के लिए समझा रहा हूँ आपको। यूनेस्को मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स को वो फंड करती है। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना अपनी, तो उसके जो पर्टिकुलर साइट है तो एक टाइम पे वहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फंडिंग रोक दी थी, और फिर यूनेस्को को लगा कि यार ये तो ऐसे तो साइट ही खराब हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, तो उन्होंने फिर फंडिंग रेज करी और यूएन ने भी डोनेट किया। देखो आपको नॉर्मली तो पता होगा कि लोन देती है ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जहां पे डोनेशंस भी की जाती है। तो ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं और वहां का इन्होंने वो सब कुछ जोड़ लिया, 20-30% पार्ट वो है, और इसका जो मोटा हिस्सा है ना 40% के आसपास हिस्सा जो है ये काउंट कर रहे हैं ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना जरूरी है। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो। अब ये जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है ना, ये काम जो करती है ये ऐसे करती है कि ये सोशल हेल्प कर रही है एशिया में और अफ्रीका में, और उस सोशल हेल्प के नाम पे ये प्रॉफिट भी अर्न करते हैं क्योंकि ये फाइनली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है टोटली। वो होता ना एक तरीका शो करने का कि भाई हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन है तो फाइनली वो एक काइंड ऑफ अ बिजनेस कंपनी ही, और ऐसे पैसे को ये लोग काउंट करके फाइनेंशियल एड का नाम दे देते हैं। तो भाई ऐसी चीजें आप करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, बुरा तो लगेगा ही। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी फाइनेंशियल एड है ये कुछ एनजीओज को भी आती है। अब इन एनजीओज का काम हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ देश में फायदा करना है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो देश में हेट रायट्स फैलाने में मदद करते हैं या फिर करंट रूलिंग गवर्नमेंट जो होगी ना उसको गिराने की हेल्प करेंगे, और ऐसे एनजीओ बैन भी होते रहते हैं और उनकी फॉरेन फंडिंग भी बैन होती रहती है। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का काम है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एशिया का मार्केट है या फिर अफ्रीका का मार्केट है, लेकिन वही तो एप्पल कर रही है ना, वही तो अमेजॉन कर रही है, या कोई भी बड़ी कंपनी वही कर रही है। अब BIA की वेबसाइट खुद क्या लिखती है आप ये देखो। एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड इंपैक्ट इन्वेस्टर वी मेजर सक्सेस इन टू वेज। फर्स्ट वी लुक एट वेदर द बिजनेस इज इन विच वी इन्वेस्ट कैन मेक अ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। सेकंड इन्वेस्ट इन बिजनेस, ध्यान से सुनना, इन्वेस्ट इन बिजनेस का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एड। सेकंड वी लुक एट हाउ कमर्शियली सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल अ बिजनेस कैन बी। अगर आप एक अनाथालय में डोनेट करते हो
तो वो बिजनेस थोड़ी है, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है उससे, तो कैसे आपने फाइनेंशियल एड का नाम दे दिया। द सेकेंड ऑफ दीज मेजर्स इन्हीं की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल रिटर्न ऑल्सो मैटर्स बिकॉज वी कैन री इन्वेस्ट दिस टू हेल्प अदर बिजनेस ग्रो एंड जनरेट फर्दर इम्पैक्ट। वी ओनली रिक्वायर एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट टू इंक्रीज आर एक्टिविटीज। मतलब इनका जो एडिशनल यूके गवर्नमेंट से कोई फंड चाहिए होता है ना इनको, वो एडिशनल एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए था। अब ये इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है तो हर कुछ सही नहीं होता, ये आपको भी पता है। थोड़ा अपने आपके बारे में तारीफें तो लिखता ही है हर कोई। अब यूके गवर्नमेंट से अगर ये बस थोड़ा सा ही मार्जिनली ले रहे हैं तो इतना क्या गा रहा है भाई तू एंकर जो है, इतना क्यों गुणगान गा रहा है। देखो अगर आपको ऐसी चीज़ समझ नहीं आना कि ऐसी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, तो आप एक हाउस ऑफ कार्ड करके वेब सीरीज है, वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है बंदा, जो मेन हेड बंदा है, उसकी जो वाइफ है वो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। अब आपको उसकी रियलिटी का काफ़ी अंदाजा लग जाएगा अगर आप उस वेब सीरीज को देखोगे तो। जिन लोगों ने देखी है वो थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट में आके बताना कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करी जाती थी। अब आप खुद बताओ यार ये कंपनी है या फिर ये चैरिटी है, चैरिटी तो नहीं है ना ये। खैर इसे मैं इसे इतना ही छोड़ता हूँ, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं अब मेंशन करने के लिए ट्विटर पे या जहाँ भी आप इन्हें सुनाना चाहते हो। इनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा साइड करते हैं। अब मैं चंद्रयान 3 पे आता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा सबसे लो IQ पीपल की, जो बहुत ही स्टूपिड से ही बात कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब ने कर दी कि चांद तो दिखता ही है, जाने की क्या जरूरत है, हमें दिख ही रहा है यहाँ से। और एक लेडी और है जो ये जो ब्रिटिश एंकर वाली बात हुई ना उस पर डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, और ये लोग ना बड़ा इमोशनल सा एक इमोशनल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जब इन्हें पता होता है कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत स्टूपिड है। जैसे वो कह रही थी कि हमें यहाँ पे मदर अर्थ पे काम करना चाहिए, हम चांद पे क्यों जा रहे हैं, तो शायद इन्हें पता नहीं है कि भाई हमारे यहाँ तो चंदा मामा होते हैं तो हम जा सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देके मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि चांद पे क्या जाना है, अभी लोगों को लगेगा भाई चांद पे जाके हमें कुछ होना तो है नहीं, और ऑफ कोर्स हमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारे पोते पोते के पर पोते शायद वो लोग कुछ ऐसा कर पाए जो चांद पे वो जा भी पाए। लेकिन अगर आज से 200 300 400 साल पहले जहाँ भी जिस टाइम भी जिस चीज़ का इन्वेंशन हुआ है, अगर उन्होंने वो मतलब वो भी ये सोच लेते कि भाई स्पेस में क्या करना है, जाके सैटेलाइट्स क्यों भेजने हैं, ये सब क्यों करना है, तो ना तो आपका फ़ोन चल रहा होता, ना आप ये वीडियो देख रहे होते, ना आपका इंटरनेट चल रहा होता, ना गूगल मैप होता। गूगल मैप नहीं होता तो ये दुनिया भर के बिजनेस नहीं होते। आज जो आपका 50-60% ऑफ टाइम कंजप्शन है ना वो इसी के बेसिस पे चलता है, तो आज जो हम कर रहे हैं ना वो सेंस करेगा बाद में जाके, और उनके 50-60% ऑफ लाइफ शायद ये कंजप्शन करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा स्टूपिड सी बात करते हैं, या तो ये बहुत सेल्फिश हैं, इन्हें फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनका कोई परवाह नहीं है, या फिर ये लोग वो हैं जिनमें दिमाग ही नहीं है। दूसरी बात कि इसरो पे जो पैसा खर्च करा जा रहा है वो गरीबों को करा जाता है। अब जो इसरो है, इसरो अपना काम कर रही है, पैसे ले रही है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इसरो ने बिजनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, बाकी की कंट्रीज के सैटेलाइट्स भेजे, और ऐसे कामों से उन्होंने 1100 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में कमाए हैं। और आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, हालांकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, कल को अगर कोई ब्रांड चाहे कि भाई हमारा जो है मून पे आप लोगो लगा दो या कुछ लगा दो, वो ब्रांडिंग कराना चाहता है, तो वो वन ऑफ अ काइंड है। मतलब हर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो अगर कोई ब्रांड कहती है तो उससे कितना मोटा पैसा लिया जाएगा इसरो द्वारा, आप सोच के देखो। चंद्रयान 3 की सक्सेस के अराउंड ही ब्लूमबर्ग की ही एक रिपोर्ट थी कि 13 स्टॉक्स ने 20,000 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ा लिया है इसी दौरान। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2-1 इनमें फ़र्क भी है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको यह समझाता हूँ। चंद्रयान 3 जो वहाँ गया है वहाँ पे विक्रम लैंडर है जो सॉफ्टली लैंडिंग करेगा, उसके पेट में एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, और वो वहाँ पे घूमेगा। मेन पर्पस चांद पे जाने का है कि मिनरल्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाटर जो है ना वो वाटर को ढूंढने की कोशिश की जाती है, और ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट द्वारा क्लेम किया जाता है कि साउथ पोल की साइड आइस बहुत सारा है, तो आइस है तो पानी है। मून पे बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, लेकिन हमारा वाला जो है वो लैंड करेगा, जैसे वो क्रैश करते हैं तो क्रैश करने वाला क्या ही ढूंढ लेगा, जितना उसके एरिया में होगा कवरेज होगा उतना वो कर लेगा, ऊपर से उसका कुछ ना कुछ मशीनरी टूटेगी भी क्योंकि वो क्रैश कर रहा है। लेकिन अगर सॉफ्टली लैंड करने के बाद आप एक रोवर अलग कर देते हो और वो घूमेगा, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप अब सोच के देखो यार, आप इमेजिन करके देखो कि आप मून पे घूम रहे हो, अब आपकी मशीन घूम रही है। इसका एक और सिग्निफिकेंस है, जब मार्स पे कुछ भेजा जाएगा तो यही जो हमारा पूरा सिस्टम है ये उसे पुश करेगा आगे जाने के लिए, मतलब अब जर्नी में पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा उसकी, मतलब ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ कि चंद्रयान 2 ये जो रोवर जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना, जो व्हीकल है वो भेजेगा विक्रम को, विक्रम जो लैंडर था, और लैंडर से चंद्रयान 2 के थ्रू, क्योंकि चंद्रयान 2 अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा है मून की, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आएगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, देखो जल क्यों रही है काफ़ी सारे कंट्रीज़ की, काफ़ी नहीं कुछ ही कंट्रीज़ की जल रही है, तो जल क्यों रही है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जो आप 1-2 साल में 10 साल में सीख लोगे किसी से और कर लोगे, ये ऐसा काम है कि सीरीज़ में चलता है, आप बहुत पीछे रह चुके ऑलरेडी और रह जाओगे फ्यूचर में। तो ये जितने भी जेलेसी फील कर रहे हैं, जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग समझ जाएंगे कि भाई हम बहुत पीछे रह गए हैं इस चीज़ में,
और फिर इन्हें रियलाइज़ होगा, फिर ये हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें भी सिखा दो या हमारी भी हेल्प कर दो। ये चीज़ एक्चुअली गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है। जो चिल्लाते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जैसे प्राइवेट बॉडीज़ होते हैं ना कि न्यूज़ एंकर चिल्ला रहे हैं। गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारी वही इसीलिए वो बायलेटरल एड होती है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया वो कर रहा है, हमें फ्यूचर में कभी भी उसकी हेल्प पड़ सकती है। तो दिस इज़ इट। मेरे को थोड़ा जुकाम था, आंखें भी सूज रही थी, तो बस मैंने सोचा कि यार ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ।